मैनचेस्टर के एम्स्टर्डम जाने वाली केएलएम की फ्लाइट में 6 यात्रियों के बीच आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो लोग एक यात्री को नीचे पकड़े हुए देखा जा सकता है, क्योंकि दूसरा समूह उस पर घूसा मार रहा है। वहीं फ्लाइट के कैप्टन को लड़ाई को रोकने का प्रयास करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन प्रयास काफी हद तक असफल रहा। वीडियो पोस्ट करने वाले यात्री के अनुसार एक समूह द्वारा एक साथी यात्री के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने के कारण ब्रिटिश नागरिकों के बीच लड़ाई छिड़ गई। वहीं इस मारपीट के बीच केबिन क्रू को भी स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए सुना जा सकता है। यहां तक कि पायलट भी इसी तरह की अपील कर रहा है। खबरों के अनुसार लड़ाई में शामिल 6 यात्रियों में से एक मामूली रूप से घायल हो गया है। वहीं हवाई अड्डे की सुरक्षा के प्रभारी डच सेन पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि उन्होंने 6 ब्रिटिश पुरुषों के व्यवहार की जांच शुरू कर दी है और सभी शामिल लोगों को सिफॉल हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रपोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।